हम लोग आ चुके हैं कुछ इस तरह की जगह पे, और यहाँ पे एक नौला है, यहाँ से भर लेते हैं पानी। और ये आ चुके हैं हमारे तीसरे पार्टनर दीपक भाई। तो भाई हम लोग आ चुके हैं कुछ इस तरह की जगह पे, और यहाँ पे हमने बाइक लगा ली। इससे आगे थोड़ा बहुत ट्रैक होगा। तो देख सकते हैं आप लोग, काफी लेट हो चुका है और हमारे अननोन ड्रीमर आशीष भाई चल रहे हैं सबसे आगे, और काफी लेट कर दिया उन्होंने अपने सेटअप को करने में। तो भाई को बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन, भाई ने नया गोप्रो भी ले लिया और पूरा सेटअप हो चुका है भाई का तैयार। तो भाई कर रहे हैं अपने वाले सेटअप की मरम्मत। फुल सॉ, वाह, आप देखो फुल सॉ खतरनाक है ना। बढ़िया बढ़िया। हाँ, ये जो इसका माउंट है, इसकी लाइटिंग बहुत बढ़िया है। मेरे ख्याल से ज्यादा डीप जंगल में जाना पूरा रिस्क से भरा हुआ रहेगा। ये रास्ता है, यहाँ को जाएं क्या? बहुत ज्यादा डीप जंगल है आज, बहुत ही ज्यादा घना। लेपर्ड तो आम बात है, यहाँ पे टाइगर का खतरा है। क्यों टाइगर नहीं आना चाहिए? फ्रेंड्स, हमें मिल चुकी है कुछ इस तरह की जगह। अभी तो काफी अंधेरा हो चुका है तो जगह का कुछ पता नहीं चल रहा, बाकी मॉर्निंग पे दिखाएंगे आपको कि जगह कैसी थी और चारों तरफ का एरिया क्या था। तो यहाँ पर जो है कि नहीं, एक बार आपने अगर सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं कि कभी भी उड़ता हुआ तीर लेना नहीं चाहिए, तो फिर बात बिल्कुल सही है। क्यों जानबूझ के अगर हम आबेल मुझे मार कहेंगे तो वो चीज भी सही नहीं है। है जंगल, ये भी काफी तगड़ा जंगल है, लेकिन फिर आगे बहुत ही ज्यादा डीप होगा, उस पे जाना सेफ नहीं होगा। थोड़ा सा हम ठीक ठाक जगह पे हैं अभी, तो आज यहीं पे करते हैं कैंपिंग। क्यों? तो वही, हम लोगों ने पावर बैंक से अपना वाला बल्ब सेट कर लिया है। नहीं, अभी तो पर्याप्त है। क्यों? बाकी ये मेरा बैग, ये अपने आशीष भाई का बैग, और ये अपने दीपक भाई का बैग। शाम तक मौसम खराब था, लेकिन अभी मौसम सही है और वो चांद की रोशनी कुछ इस टाइप की दिखाई दे रही है। बाकी करते हैं फटाफट सेटअप, क्योंकि काफी लेट हो चुका है और लकड़ी भी हमने ढूंढनी है अभी, ये सब करते करते। इसको फटाफट से सेट करते हैं। तो हम आज दो टेंट लगा रहे हैं, एक छोटा वाला वही अपना स्टोर रूम, और बड़ा वाला लगेगा अपना सोने के लिए है ना। ये है तो अपना थ्री मैन टेंट, और अब लाइटिंग की व्यवस्था काफी अच्छी खासी हो चुकी है जंगल में भी। तो हम लोग लगा लेते हैं इस टेंट को और आप लोग एंजॉय करो टाइम लैप्स। अपने आशीष भाई रख रहे हैं सामान, अलग अलग है। देखो दिन में जाएंगे तो आराम से मिल जाएगी हमें, कोई वो भी नहीं रहेगा, लेकिन रात में जो मजे है ना भाई, जो अंदर से थोड़ा सा फील होता है ना डर, तो वो बना रहना चाहिए, उसी में एडवेंचर है असली, बताऊँ तो। ठीक है, तो फटाफट से लकड़ी लाते हैं और उसके बाद मिलते हैं। ठीक है, तो फटाफट से तो सबसे पहले ये कर लेते हैं। हाँ, सामान सारा अंदर शिफ्ट कर दो ना। किसको मिलेगा सरप्राइज? यहाँ पे चला के गए हम लोग अपना नाइट लैंप, रात के 8 बज चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं लकड़ी ढूंढने अब। क्यों भाई लोगों, कैसा लग रहा है फिर? बिल्कुल बढ़िया, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। चलो फिर चलो। तो टाइम चल रहा है नवरात्रि का, और जगह जगह आपको सुनाई दे रहे होंगे लाउड स्पीकर, और वो है अपना शहर लोहाघाट। वहां से लगभग 13 से 14 किलोमीटर की दूरी पे हम लोग हैं। ये कुछ लकड़ियां हैं, इन्हें लेके चलते हैं, इन पे होगा आज रात का सरवाइव, इन्हीं पे बनेगा खाना। भाई पूरी रात सरवाइव करना है तो लकड़ी की जरूरत तो रहेगी। ये मिली हुई थी सूखी लकड़ी, तो इसी को काट लेते हैं
पाँव में तो मजा ही आ गया। सारी लकड़ियाँ काफी टूट चुकी हैं, ये देखो भाई पाँव से लकड़ियाँ काटते हैं अंधवाए तो गजब के इंसान है आशीष भाई की टेक्निक, और ये सभी को सीखनी चाहिए। ये हम लोग गड्ढा बना रहे हैं आग जलाने के लिए, मिट्टी निकालनी होगी क्यों? तो कुछ इस तरह का बना लिया है हमने आग जलाने वाला। तो भाई अपने लोग भूल आए मार्चिस, अब बर्नर से जला रहे हैं आग यहाँ पर। तो गाइस अभी अपनी आग जल दी यहाँ पे बढ़िया तरीके से, लकड़ियाँ लगाने फिर तभी तो आग जलेगी। सबसे मेन जो है कि यही चीज़ है, बिना आग के नहीं होता। और आज शुक्र है कि भाई मौसम विभाग ने अलर्ट दे रखा था बारिश का अपने एरिया पे, लेकिन जो है कि यहाँ पर कोई बारिश नहीं है, वरना वहाँ यहाँ हम लोग बिना खाए भूखे रह जाते, अंदर ही बनाना पड़ता स्टोव में, ठीक है। लेकिन उस पर मजे नहीं है, आपको पता ही है। हम करते हैं अल्टीमेट वाली एक नंबर की कैंपिंग। बड़ी बात और अपनी लाइफ लाइन है ये 50,000 mAh का पावर बैंक जो लाए हैं अपने दीपक भाई, ये हर दिन काम आता है। तो अब एक काम करते हैं, अपना कमरा सजा लेते हैं। भाई अपनी तो लाइफ यही है, और अपने स्टोर कीपर भाई आशीष यहाँ पे बैठे हुए हैं। हाय गाइस। और दीपक भाई जला रहे हैं आग, आग को फूकने का काम कर रहे हैं, धोखने का काम कर रहे हैं। खुली आसमान के नीचे कुकिंग करो और कुछ भी स्टॉप बनाओ और खाओ। तो कुछ इस तरह की लोकेशन है अपनी आज की। देखो यार जंगल के बीचों बीच में ये करना एक करेज की बात है, और इतना एक्सपीरियंस वाला बंदा हमारे साथ बैठा हुआ है। उम्र में जरूर मुझसे छोटे हैं लेकिन एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है, और भाई बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन भी है, क्योंकि एक छोटी सी उम्र में इतना बढ़िया मुकाम भाई ने बनाया है अपना। आपका आपका प्यार है अन्नू भाई, और साथ में हमारी ऑडियंस जो देख रही है ना। बिल्कुल मेरा बिल्कुल नहीं है, मेरा प्यार नहीं है यार। गाइस अभी अपनी चाय वगैरह बना लेते हैं, क्योंकि अभी तक चाय नहीं पी हमने, इतनी देर होगी बैठे कई देर हमने। हम पहाड़ी और चाय के बिना हम अधूरे, तलब लग चुकी है चाय की। सही बात भाई, बिना चाय के मजे भी नहीं आते। पहले तो भाई चाय बनाते हैं, फिर लाओ वो दो क्या वो दो ये दो। अपने भाई करेंगे यहाँ पे एक पाउट की भाई, पाउट की भाई बुक्की मोहब्बत करके 7 मिनट भी हो चुका है। देखो तो फटाफट से चाय पीते हैं भाई, 9 बजे चाय चल रही है अपनी, और उसके बाद जाके फिर बढ़िया से डिनर बनाते हैं। पता नहीं कब बनता है और कब सोते हैं ये भी मालूम नहीं है, ठीक है। अपना तो बजने वाला है 2, लास्ट कैंपिंग पे वो ही डाल रहा हूँ। हाँ यार आज हम चीनी भूल गए, पता नहीं सुबह की चाय की व्यवस्था क्या होगी। तो भाई मैं इसको भी ऐसे करके धो लूंगा अभी भाई, इतनी जरूरत है। वाह ये तो बहुत चाय बन गया यार, आज मजा आ जाएगा, आज चाय से ही पेट भरेंगे। दबा के चाय पियो फ्रेंड्स। अभी आपको दिखाने वाला हूँ एक जादुई चीज, ये देख सकते हो जादुई चीज ये लिया हुआ है आशीष भाई ने, खंजर। खंजर और अपन लोग यहाँ पे डाल रहे हैं, और ये बिस्किट एनी टाइम, बिस्किट उसका नाम ही एनी टाइम है, क्योंकि किसी भी टाइम चल जाता है, और बहुत ही बढ़िया देखो काफी अच्छा है। और चाय ठीक है CNC। और ये देखो भाई लोग बैठ सके हैं, सबकी अपनी अपनी ब्लॉगिंग कर लिया, क्योंकि वी ऑल आर ब्लॉगर, दैट्स व्हाई, ठीक है। वी ऑल आर कैंपर, कैंपर यस राइट, हार्ड कैंपर। अपने टेंट के अंदर बन रही है चाय, आप देख सकते हैं यहाँ पे रखे हुए बिस्किट, हम लोग बिस्किट लेके आए थे। बाकी बचपन में सबने खाई होगी ये कचरी, यानी कि सोया
वो लेके आए हैं आज हम, और चाय भी लगभग लगभग उबल चुकी है। फर्स्ट क्लास बोनफायर जली है और ऊपर आसमान में तारे। वाव, गर्मा गर्म चाय। दो दो सैमल पड़ेगा भाई सबके पास। ये है अपनी चाय। इसकी चाय जंगल के बीचों बीच और इस बोनफायर के साथ कैसी बनी भाई? हाँ, तुम्ही ने बनाई है? कड़क एकदम। कड़क चाय, ओके। मैं सोच रहा था ना चीनी कम होगी, ठीक है, लेकिन इस पर चीनी कम हो नहीं रही। चीयर है एवरी मोमेंट है। चीयर्स। तो गाइस अपनी क्या चल रही है? वाओ 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 वाओ, बढ़िया हुई ना। देखो चीनी की कमी नहीं खली है, अल्टीमेट। मजा आ गया, जबरदस्त। तभी तो मैंने कहा था बढ़िया बनी है करके। बहुत सी अजीब अजीब स्केरी वाली चीजें आज भी हो रही हैं अपने साथ। फिर से लाइट बुझ चुकी है अपने आप ही, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ना डरे ना डरेंगे। रात के बज चुके हैं 10 और अभी हमारी शुरुआत हो रही है सब्जी काटने की। तो हमारे पास प्रोफेशनल कुक, अननोन ड्रीमर, अपने आशू भाई। आशीष भाई का साथ, फिर फिक्र की क्या है बात। यहाँ पर बनने लगे हैं चावल, जिसको बना रहे हैं अपने दीपक भाई और अपना भाई आशू, ये लगे हुए हैं प्याज कटाई में। और यहाँ पर भाई कर रहे हैं हमारी बड़ी बहू से बात और छोटी बहू काम पे लगी हुई है और रो रही है बेचारी प्याज काटने में। बहुत बुरा हाल है भाई। हाँ बहुरानी, क्या हुआ? मजदूरी करा रहे हो भाई? झाड़ी नहीं दबाई। आशीष भाई सजा हो रखी है। तो भाई चल रहे हैं अपने लाइव। कलर आ रहे है क्यों? अब कंटेंट बनने लग गया भाई। भाई लोग का दिखाऊं? अभी अपना प्याज टमाटर कट चुका है और आज बनने वाला है भाई पनीर। दो प्याजा पनीर भाई, इसको काटने में, पनीर को काटने में आता है। क्या आता है पनीर को काटने में? क्या आता है? मजा। भाई देख सकते हो बिल्कुल यार, अब आता है तो आता है। क्यों? बिल्कुल। अरे वो कोयला हो रखा है क्या? हाँ हाँ। कैसा मजा आता है? बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ कैसी फीलिंग आती है? अरे क्या एकदम एक नंबर फीलिंग। गुलू 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 वाली। तुम्हारे मन की ऐसी कर दे रहा हूँ मैं बात भाई, ठीक है। अरे भाई शर्मा गई क्या? फोन काट दी मम्मी। आ गई क्या? ओए मम्मी आ गई क्या? तुम मार खा गई क्या? ठीक है भाई, ये भी ठीक है। ये बड़े वाले पीस है भाई बारबेक्यू के लिए। बारबेक्यू के भाई सब जतोड़ते हो, ठीक है। फिलहाल इसको इस तरीके रख देते हैं, इसमें छोटे वाले बना देता हूँ। वैसे आवाज किस चीज की है? बगल में बाघ। तो चलो फिर एक काम करते, फटाफट से इसको फिनिश करते, मतलब बनाते हैं, उसके बाद फिनिश करते खाते हैं भाई, कैसा? ओके ओके ओके, अभी से फिनिश कर देते। तो दोस्तों जंगल में हिरन की आवाज आ रही है। हिरन तो क्या, पहाड़ी जो पहाड़ी हिरन होते हैं, काकड़ बोलते हैं हमारे लोकल लैंग्वेज में, वो चिल्ला रहा है नीचे गधेरी की तरफ, तो उसकी आवाज आ रही है अच्छी खासी। तो गाइस अपना अभी बारबेक्यू के लिए तैयारी चल रही है अपनी पूरी जोर शोर से। तो सबसे पहले तो भाई नमक डाल देते हैं इस पे। नमक है ना? बिल्कुल भाई, इतना इनाफ है, क्योंकि और मसाले पड़ेंगे ना अभी। ये रहा भाई हल्दी, ठीक है, और ये रही थोड़ी सी मिर्च, घर की मिर्च है तो भाई ये बहुत ज़्यादा तीखी होगी, इतनी डालते हैं। बाकी के ये सारे अपने मसाले टॉप सीक्रेट मसाले हैं। टॉप सीक्रेट मसाले, देख लो भाई कितने सारे मसाले हैं। और भाई बताएंगे नहीं? पिटारे में भाई बताएंगे। भाई बताने का कितना लेंगे? 150 रुपया लेगा। 150 रुपया
150 रुपया। चम्मच भी टूट जा रही है यार। बस इसमें एक ही चीज की कमी रहेगी ना। का भाई का? वो है दही। अगर दही होती ना तो बढ़िया था। अरे भाई आप दही के बिना ही बहुत कमाल बनाते हो। अरे कमाल धमाल माला माल। तो भाई डाल रहे हैं इसमें काला खट्टा। उतना काफी है, बहुत इनफ है। इसको भी डाल लो। यस। आज थोड़ा चाइनीज स्टाइल में बना रहे हैं हम। क्यों? यस बेबी यस। ये अभी इसको मिक्स करने में सबसे ज्यादा दिक्कत ये रहती है कि बस अगर दही होती तो दही अच्छे से पकड़ लेती है सारा मसाला ना। तो इसको रख देते हैं थोड़ी देर सेट होने के लिए, यानी कि मैरिनेट होने के लिए। और तब तक अपना ये वाला ग्रेवी वाला बना लेते हैं, ठीक है? जो खाना है हमने चावल के साथ। जो खाना है चावल के साथ। चावल बन गया ना? चावल तैयार है भाई। वैसे तो अपना प्लान था आज रोटी बनाने का, लेकिन फिर वही है, दिखना चाहिए आलस। हमने कहा कि चावल ही बनाओ, चावल ही खाओ। चावल इजी है ना बनाने। चलो जी इसको रख देते हैं यहाँ पे, लॉक कर दिया है। टिप्पू भाई वहाँ से कोयले ला रहे हैं, देखो काफी आग जली हुई है हमारी ना, इसलिए देखो काफी कोयले हो चुके हैं। वैसे टिप्पू अभी इनफ है यार, अभी मतलब हाँ अभी फिलहाल इनफ है, खाली वो आग भी बुझ जाएगी। तो उस्ताद के बन रहे हैं बीबीक्यू पनीर वाले। और उस्ताद कैसा चल रहा? बढ़िया चल रहा है काम, धंधा पानी। आप लोगों को तो देख सकते हैं यहाँ पे, एक तरफ मैं बना रहा हूँ पनीर ग्रेवी वाला और भाई कर रहे हैं बारबेक्यू। और टाइम हो चुका है रात के 12 बज चुके, 12 अभी बजे नहीं है, 12 बजने में 10-15 मिनट बचे हुए। तो इस साइड अन्न भाई डाल रहे हैं पनीर इस पे, क्योंकि ग्रेवी तो भाई एकदम क्या ही खुशबू आ रही है यार ग्रेवी से। तो खुशबू तो अच्छा आ रही है, मस्त आ रही है ना। और इस साइड अपना बारबेक्यू सेटअप पूरी तरीके से है, ऑसम खुशबू आ रही है। रेडी फर्स्ट क्लास से बनने देते हैं। क्यों? तो देखो कुछ इस तरीके से अपना बारबेक्यू सेटअप, बारबेक्यू हो चुका है। बीबीक्यू पूरी तरीके से इसको रख देते हैं साइड पे। और इसके अंदर अभी भी बहुत तेज आँच है यार, है ना, फुल हीट। मेरे तो हाथ जल गए भाई, क्योंकि मेरे पास वो टोंग नहीं है ना, अगर वो होती तो उससे कर लेते। नेक्स्ट टाइम यार टोंग रखना है अपने साथ। वही तो। और देखो एकदम पूरा फिनिश, सब कुछ खत्म। और पनीर की ग्रेवी भी तैयार है। पनीर की ग्रेवी भी देखो एकदम बढ़िया तरीके से भाई साहब। घर से खाते हैं, आ रहा है भाई मुंह में पानी, और भाई फटाफट से पेट पूजा करते हैं। तो आशीष भाई परोस रहे हैं सबके लिए। और यार ये सारा सेटअप, एक्चुअल में एक कमी आज खल दी है यार ट्राईपॉड की। मेरा ट्राईपॉड वहीं कहीं काली नदी में समा गया ऊपर। अरे ट्राईपॉड गिर गया था ना आपका आते टाइम, आदि कैलाश से आते टाइम मेरा ट्राईपॉड यार। आदि कैलाश तो जा गए, ट्राईपॉड तो जो भी है खैर यार सबसे बड़ी बात है ना। अन्नू भाई रिसेंटली आदि कैलाश से जा गए हैं, चैनल चेकआउट करना है इनका, इनने ब्लॉग डाले है ना। इस साइड अपना बन रखा है देखो पनीर ग्रेवी। ग्रेवी क्या ही स्वादिष्ट, मतलब दिखने में ही क्या ही लजीज दिख रही है ना ये देखो। बाकी भाई लोग बताएंगे टेस्ट करके कैसी हो। एंड साथ में, साथ में गाइस ये है अपना बीबीक्यू स्पेशल। तो आज रात का डिनर होगा हमारा पनीर की सब्जी और चावल, और साथ में बने हुए हैं ये बारबेक्यू। बाकी आशीष भाई ने सभी को खाना परोस दिया है। अब लेट नहीं करते हैं यार, वैसे ही टाइम हो चुका है, एक बज चुका है रात के, और खाना खा लेते हैं उसके बाद सोते हैं। और आगे जल रही है अपनी आग। आ जाओ दीपक भाई, चलो आ जाओ। तो भाई अब टाइम आ चुका है खुद का बनाया हुआ टेस्ट करने का। मेरी चम्मच, अरे चम्मच से तुम खा रहे हो? बढ़िया बनाया, मस्त बनाया ना एकदम। मसाले तुम्हारे बनाने में मेहनत अपनी है, टेस्ट करते हैं भाई भी। सही बनाए, मस्त एक बार। अब देखते हैं आशीष भाई का क्या रिएक्शन है खाने को लेके।
तो गाइस कुछ इस तरीके से निवाला बन गया अपना। बहुत मुंह में पानी आ रहा है यार, कब से इंतजार में था मैं तो खाने के, इंतजार और भूख भी लग पड़ी है। कैसा है ब्रदर? अरे एक नंबर बहुत सही बनाया है ना। चलिए हम लोग खाना वाना खा चुके हैं और यहाँ पे रात की सेफ्टी के लिए जली हुई है अपनी कैंप फायर, और आशीष भाई अपने सो चुके हैं अंदर। अब मैं भी चलता हूँ अंदर लाइट बुझा के, और दीपक भाई अपना फुग्गा फुला रहे हैं फिलहाल। तो भाई तकिया भी फुला लिया, और यार अब थकान काफ़ी होगी और रात के बज चुके हैं 1:30, और चुपचाप सो जाते हैं बिना हल्ला मचाए। और खर्राटे कोई नहीं ले गया यार, एक भाई ने जब उधर गया था मैं आदि कैलाश यात्रा पे, इतने भयंकर खर्राटे लेता था मैं, उठ के बाहर चले जाता था टेंट को छोड़ के। वो चीज़ यहाँ तो नहीं करते अपने भाई लोग अच्छे हैं। आशीष भाई कभी कभी थोड़े खर्राटे मारते हैं तो चिंगोटी काट लेता हूँ रात को उनको। मैंने कब मारा भाई खर्राटा? मारते हो नहीं, मजाक नहीं, आज तक नहीं मारा है कभी। थोड़े थोड़े खर्राटे रात में मारते, कोई दूसरा होगा, सच्ची में नहीं हूँ या बाघ होगा। अरे मैं खर्राटे मारने की आदत ही नहीं है यार सच में। देखो यार भाई बहुत मारता है, एकदम सफेद झूठ बोल रहे। लौंडिया लौंडिया लंदन से लाएंगे रात भर डीजे बजाएंगे। देख रहे हो भाई, भाई की कलाम टर्की ख्याल वाले भाई, इसमें गाना है यार टर्की वाला। और लौंडिया इनको इनको यहाँ नहीं मिल रही। चलो भाई सोते हैं, गुड नाइट, मिलते हैं कल, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। अब क्या ही ख्याल रखोगे यार, आप लोग तो फुल फ्लैट हो गए, सोए हो गए रात के 1:30 बजे, अब हम भी सो जाते हैं। तो चलिए बाय बाय, कल मिलते हैं सुबह सुबह और आपको बोलेंगे गुड मॉर्निंग, तब तक के लिए हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये रास्ता था जंगल को जाने का, जो पुराने टाइम से होगा जंगलायत का। बाकी यहाँ पे रुके हम लोग और अपने भाई आशीष भाई तो अभी भी सोए हुए हैं, अलार्म बज रहा है लेकिन उन्हें कोई मतलब नहीं है बंद करने से। उठो भाई उठो।